ये सवाल एनएडी और डॉ दोनों के पेपर में बहुत बार आया हुआ है. सेंसिटिविटी ऑफ एल्युमिनियम वायर इज टू टाइम्स ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ सिल्वर वायर. व्हाट इज डायमीटर ऑफ द सिल्वर वायर. ऑप्शन दिए हैं, ट्वाइस द डायमीटर ऑफ एल्युमिनियम, हाफ द डायमीटर ऑफ एल्युमिनियम, रूट टू डायमीटर ऑफ एल्युमिनियम, वन अपॉन रूट टू डायमीटर ऑफ एल्युमिनियम. पहले तो जो सिचुएशन दी हुई है वो क्या दी हुई है कि एल्युमिनियम की रेजिस्टिविटी ट्वाइस द रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर. और वैसे रेजिस्टिविटी और डायमीटर का रिलेशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट. जो रेजिस्टिविटी एल्युमिनियम की डिवाइड बाय रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर, इनका रिलेशन होता है डायमीटर ऑफ एल्युमिनियम का स्क्वायर डिवाइड बाय डायमीटर ऑफ सिल्वर का स्क्वायर. मैथ्स के रूल के तहत ये क्या करेंगे कि रेजिस्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम भी आइए पुट कर देंगे ट्वाइस द रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर. रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, ये मेरे पास सिचुएशन बन गई. जब रीअरेंज करूँगा रूट लेके तो फाइनल आंसर आ जाएगा डायमीटर ऑफ सिल्वर डिवाइड बाय 1/2 रूट टू डायमीटर ऑफ एल्युमिनियम, यानी कि ये ऑप्शन. तो डेयर जो भी यूट्यूब पे चैनल देख रहे हैं, वीडियो को शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अभी ये एनडी के तकरीबन मैथ्स इंग्लिश के सारे पास पेपर मैं सॉल्व करा चुका हूँ. फिजिक्स केमिस्ट्री के अब करवा रहा हूँ, उसके बाद डॉ यूनिवर्सिटी सर सैयद दाऊद उनके पास पेपर भी कंटिन्यू सॉल्व होते रहेंगे. और दाऊद के पास पेपर भी कुछ मैंने सॉल्व करके डाले, वो भी एनडी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट ही है, तो वो भी देख लीजिएगा. और ख़ासकर कुछ जो ये ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो की सीरीज़ है और इंटीग्रेशन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और फंक्शन एलिमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. थैंक्स अ लॉट.